लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन अब टूटने के कगार पर है। जी हां, इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती के बयानों से साफ है कि गठबंधन में सब कुछ अभी तक भी ठीक नहीं चल रहा है। मायावती ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव नतीजों में साफ हो गया है कि बेस वोट भी सपा के साथ खड़ा नहीं रह सका है और सपा की यादव बाहुल्य सीटों पर भी उनके उम्मीदवार चुनाव हार चुके हैं। वहीं कन्नौज में डिंपल यादव और फिरोजाबाद में अक्षय यादव का हार जाना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। वहीं मायावती ने कहा कि उपचुनाव में हमारी पार्टी ने कुछ सीटों पर अकेले ही उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन गठबंधन पर फुल ब्रेक अब नहीं लगा है।